फरवरी मंथ इक्वल टू लव मंथ, बिकॉज अभी है वैलेंटाइन डे वीक फरवरी में, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ आपके साथ अफोर्डेबल क्यूट अच्छी सी ड्रेसेस शेयर की जाए। सारी मैंने शॉपिंग की है मिंत्रा से, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जल्दी जिससे मैं और भी अच्छा अच्छा कॉन्टेंट आपके साथ शेयर कर लूं। तो मैंने 5 ड्रेसेस मंगाई है, 5 or 6 ड्रेसेस है, एक ड्रेस को छोड़ के सब ड्रेसेस अंडर 500 और 600 है। एक ड्रेस थोड़ी सी स्पेशल है, अगर आपको थोड़ा सा कुछ स्पेशल ओकेजन है, आपकी फर्स्ट डेट है, शादी के बाद तो अच्छी सी डेट है, थोड़ा सा आप कॉस्टली तरफ जा सकते हैं, तो उस वाली ड्रेस को आप ट्राई कर सकते हैं। अभी मैंने किसी की पैकेजिंग नहीं हो रही है, सारे पैकेट में तो मिंत्रा से रिसीव हो गए हैं, तो हम 1 by 1 उसको ओपन करेंगे एंड रिव्यू करेंगे। तो जो भी ड्रेस फर्स्ट हमारे हाथ में आएगी तो हम पहले इस वाली ड्रेस को ओपन कर लेते हैं। तो मिंत्रा पे ऐसा होता है कि प्राइजेस कभी कभी ना वैरी होते रहते हैं अप एंड डाउन, तो मेरा जो ओरिजिनल प्राइस होगा जो मैंने लिया वो मैं साइड मेंशन कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा मेरे को कितने का पड़ा। फर्स्ट ड्रेस कलर देख रहे हो आप, एकदम ऐसे चमक जाने वाले हो आप। तो ओ माय गॉड, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है यार, बहुत सॉफ्ट सा फैब्रिक है, एंड इसका जो लुक है, लुक एट दिस, मतलब ऐसे कोई भी ना ड्रेस रिवीलिंग नहीं है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रैपी है या फिर बैकलेस है। आई थिंक एक बैकलेस है जो मेरे को याद है, अदरवाइज सारी ड्रेसेस बहुत ज्यादा प्रिटी एंड क्यूट सी है। इसका फैब्रिक जो है क्रेप एंड क्रेप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइक बहुत अच्छी क्वालिटी है। शोल्डर के पास इलास्टिक की डिटेलिंग है, इसका जो ये नेक है ना ये बहुत सुंदर लगता है, स्क्वायर नेक है, इसमें जो नेक लाइन है बहुत अच्छे से डिफाइन होती है, जो कॉलर बॉन्स है बहुत अच्छी लगती है। पीछे से यहाँ पर ऐसे इलास्टिक की डिटेलिंग है बैक से, और यहाँ पर कुछ ऐसे स्क्रंच होता है ना उस टाइप का इलास्टिक वाला, वैसे डिटेलिंग है, और नीचे टायर वाला कुछ डिटेलिंग मिल जाएगा ऐसे आपको। इसका लेंथ जो है मेरे को आया है नी तक, मेरी हाइट 5'2" है, तो आप अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अभी के बिल्कुल अच्छी है, मतलब वैलेंटाइन वीक पे आप इसको पहन सकते हैं, बिल्कुल सॉलिड में है, आप अपनी इसको अच्छे से एक्सरसाइज कीजिएगा एंड बहुत सुंदर लगेगी। इसका जो ब्रांड है वो है प्लस, और मैंने जो इसमें साइज पिक किया है अपना वो है स्मॉल मीडियम, मीडियम साइज है। ओरिजिनल प्राइस इसका है 1900 रुपीज, और मैंने आई थिंक उसको 600 या 650 की रेंज में लिया, इससे ज्यादा नहीं है पक्का से। नेक्स्ट है अब ब्लैक लिया है मैंने, एक ब्लैक तो लिया ही होगा मैंने, ऐसा होगा नहीं वैसे, देखते हैं। ओके ओह माय गॉड, लुक एट दिस, प्रॉपर मैक्सी ड्रेस है ये, लाइक बिल्कुल एंकल तक है, फैब्रिक इसका क्रेप है। इसका जो स्लीव्स है यहाँ पर इसे इलास्टिक की डिटेलिंग है, लाइक गर्ल्स ऐसे है कि वो शॉर्ट क्लोथ नहीं पहनते, लाइक नी तक भी, तो अगर आपको कुछ ब्लैक में एक क्लासी सी ड्रेस चाहिए डेफिनेटली आप इसको पिक कर लीजिएगा। ब्रांड इसका U&F है, साइज मेरा स्मॉल है, मतलब इसको ना आप थोड़ा बोहो भी लुक दे सकते हैं, इसके साथ सिल्वर ज्वेलरी ऐड करके, सिल्वर इयररिंग्स पहन के एंड बड़ा सा एक बोहो भी ऐसा बैग लेके, जूती वगैरह पहनोगे तो मेरे ख्याल से ये वाला अगर इसके साथ आप लुक जाओगे बोहो वाला वो भी अच्छा रहेगा। आप उसको वेस्टर्न तरह से भी यूज कर सकते हैं, इंडियन तरह से भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये ड्रेस काफी आई थिंक वर्सेटाइल वाली ड्रेस है, और इसका प्राइस भी सबका ट्राई ऑन या फिर मैं स्टाइलिंग आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपको लुक समझ में आ जाएगा कि पहनने के बाद कैसा लगने वाला है। नेक्स्ट पैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, तब तक आप मेरे को बताओ कॉमेंट सेक्शन में कि आपके क्या क्या प्लान्स हैं वैलेंटाइन डे पे। मेरा तो फिलहाल कोई प्लान नहीं है, बिकॉज चिंतन का तो आज का इतना ऑफिस चल रहा है, लाइक वो ना सैटरडे और संडे में भी ऑफिस जा रहा है, तो मेरा अभी तक तो कोई प्लान नहीं है, बाकी कुछ बनता है तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगी। नेक्स्ट जो है वो है ससाफ्रस का, ससाफ्रस एंड टोक्यो टोबिस की ड्रेस, अगर अफोर्डेबल प्राइस में देखा जाए तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा
प्राइस क्वालिटी एंड डिजाइन किसी में नहीं है। मैंने कलर ना बहुत ही यूनिक इस बार परचेज किए हैं। डार्क पर्पल कलर है, फुल स्लीव्स है ये वाला, एंड स्लीव्स पे आप ये वाली डिटेलिंग देखिए। लुक एट दिस, यहाँ पर पूरे पे ऐसे ना कुछ इलास्टिक की डिटेलिंग है, बिल्कुल बंद करके फुल स्लीव्स है इसका। नेक जो है इसका वो वी नेक है, यहाँ पे छोटा सा एक कटआउट है लाइक टमी के पास मिल जाएगा। और इसका लेंथ भी मेरे को आया है लाइक नी तक आया है ऑलमोस्ट। इसका फैब्रिक क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। पीछे इसमें पूरा बैक पे ऐसे जिप की डिटेलिंग है, तो इससे क्या होगा जो ये वाला पार्ट होगा ना वेस्ट वाला, वो बहुत ही अच्छी फिटिंग से आएगा। इसमें जो मैंने अपना साइज मंगाया है आई थिंक मीडियम ही होगा, नहीं मैंने इसमें स्मॉल साइज अपना पिक किया है। आई थिंक इसमें एक हॉट पिंक भी है, हॉट पिंक मैं उस वाले में ले चुकी थी पहले, इसलिए मैंने पर्पल कलर लिया। पर्पल कलर, पिंक कलर ना काफी ज्यादा ट्रेंड में है आजकल। तो लाइक पहले मेरा क्या होता था, मैं हमेशा ब्लैक आउटफिट पहनती थी, इवन अभी भी पहना हुआ है। इवन मैंने सोचा ड्रेस पहन लेती हूँ, एक अच्छा सा ड्रेस का वीडियो बना रही हूँ तो। बट अभी मैं आपको बोलूंगी कि कलर की तरफ आप जाइए, बिकॉज बहुत सुंदर लगते हैं कलर। आप ब्लॉक करोगे इसके साथ, पर्पल के साथ आप पिंक पहनो, येलो पहनो, बहुत क्यूट लगोगे। और इतने अफोर्डेबल है ना सारी ड्रेसेस, लाइक आपका ना गिफ्ट में पैसा चला जाएगा और अपनी ड्रेस में आपको कम खर्च करना पड़ेगा। ओके, मैंने 5 ही ड्रेसेस मंगाई हैं, 6 नई हैं। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, मैंने खुद के पैसों से सारी चीज़ें परचेज की है। तो जो मैं रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, तो आप डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हैं बिकॉज इस प्राइस में काफ़ी अच्छी है। ओके, तो कुछ मैंने फ्लोर प्रिंट भी लिया है। जो सबसे कॉस्टली ड्रेस है वो हम सबसे बाद में ही दिखाने वाले हैं, मतलब मेरे हाथ में सबसे बाद में ही आई है। अभी सारी ड्रेसेस पहले ही ये वाली आ गई हैं। आई थिंक ये बैकलेस है। ओके, ये भी बैकलेस नहीं है, बहुत क्यूट है ये वाली ड्रेस। अगर आपका जो लाइक डेट है वो थोड़ा सा ही आप आउटिंग के लिए जा रहे हो, या फिर दिन में आपको कहीं डेट के लिए जाना है लंच वगैरह के लिए, तो आप इस वाली ड्रेस को पिक कर लो। बहुत ज़्यादा एकदम प्रिटी एंड क्यूट लगोगे। यहाँ पर ऐसे ऐसे रंच जो है ना स्कर्च वैसा वाला डिटेलिंग है पूरे पे, नीचे थोड़ा सा फ्रिल की डिटेलिंग है। यहाँ पर 2 स्ट्रिप्स दी हुई जिसको आप नोट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो बहुत क्यूट लगेगा ये वाला ड्रेस। और इसका फैब्रिक क्वालिटी क्रेप है, लेकिन जो थोड़ा सा ऐसे दाना दानेदार सा क्रेप होता है वो वाला है। तो फैब्रिक क्वालिटी इसकी मुझे सही में सबसे अच्छी लगी है, सब में पूछोगे तो सबसे अच्छी फैब्रिक क्वालिटी इसकी है। इसका जो ब्रांड है वो है बैरी लश, और मैंने अपना साइज पिक किया है मीडियम। पीछे यहाँ पर ऐसे जिप की डिटेलिंग है, इसमें यहाँ पर जिप की डिटेलिंग मिल जाएगी, और इसमें कलर शेड अवेलेबल है, आई थिंक 3 to 4 शेड्स मिल जाएंगे। और सारी ड्रेसेस ऐसी है कि लाइक आप नॉर्मल इनको मशीन में वॉश कर सकते हो, कोई भी ड्रक्लीन के लिए नहीं है, कहीं भी नहीं है। एक बार पहनो, दो बार पहनो, मजे से पहनो, मशीन में डाल दो, पैसा वसूल, मतलब उतनी अच्छी है। जिस प्राइस के सारे ड्रेसेस है ना उतना वर्थ है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइस के अकॉर्डिंग कॉस्टली लगे, मुझे कोई ड्रेस वैसे नहीं है। लास्ट में जो ड्रेस आपके साथ शेयर करूंगी ये आई थिंक 1600 की ड्रेस है। ये वाली ड्रेस मैंने खरीदी, अगर मैं कहीं जाने का सोचती हूँ वैलेंटाइंस डे पे मेरे को टाइम मिलता है, मतलब चिंतन को, तो मैं इस वाली ड्रेस को वियर करूंगी अगर मेरे को फिट आ जाती है, बिकॉज ये बॉडी कॉन ड्रेस है। ओके, मैंने 6 ड्रेसेस ही मंगाई, मैं भूल गई थी, बिकॉज इसके अंदर मेरे को 2 ड्रेसेस रिसीव हुई है, एक जो 1600 रुपीज़ वाली है और एक कुछ पॉलका डॉट में है। तो पहले मैं आपको पॉलका डॉट वाली दिखा देती हूँ, बिकॉज मुझे याद था कि मैंने 5-6 ड्रेसेस मंगाई, इतनी सारा ऑर्डर करती हूँ ना इंस्टाग्राम के लिए भी एंड यूट्यूब के लिए भी, तो सही में भूल जाती हूँ कि क्या क्या मैंने ऑर्डर किया है। ओके, ये रस्ट ऑरेंज कलर में ड्रेस है, एंड इसमें ना बहुत ही अच्छा सा एक स्लीव्स का ड्रामा है। लुक एट दिस, यहाँ पे ऐसे पूरा पॉप सा स्लीव्स है, छोटी छोटी सी प्लेट्स है, एंड यहाँ पर भी थोड़ा सा ऐसे इलास्टिक की डिटेलिंग है, मतलब सिंपल नहीं है और एकदम स्ट्रेट फिट ड्रेस है, तो काफी क्यूट लग रही है ये वाली ड्रेस भी। और प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा है, ब्रांड इसका भी प्लस है, और मैंने इसमें साइज जो मंगाया है वो मीडियम है, तो क्रेप की क्वालिटी है। प्राइस इसका आई थिंक 600 या 700 के अप्रॉक्स होगा, उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। एंड इसमें भी कलर ऑप्शन है, आई थिंक एक रेड कलर है और आई थिंक एक ग्रीन कलर है, बट मैंने ये रस्ट ऑरेंज में लिया, थोड़ा हटके शेड था, मैंने पिंक भी लिया, रेड में ऑलरेडी वो वाला ले चुकी जो स्टेप वाला था, तो इसलिए सोचा मैंने ऑरेंज पिक कर लूँ। और ये ड्रेस काफ़ी सही है प्राइस। अब लास्ट आ जाते हैं जो सबसे कॉस्टली मैंने ड्रेस परचेज किया, 1600 की ड्रेस है। इस वाले ब्रांड को मिंत्रा पे मैंने पहली बार ट्राई किया है। एक्चुअली इसकी ना काफ़ी ड्रेसेस मैंने देखी है मिंत्रा पे, और कॉस्टली होती है, मतलब 1000 से सारे अबव ही होती है, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने सोचा बट इस बार हम लेके देखते हैं। ओके,
सेटन जो क्वालिटी है काफी मतलब हैवी ड्रेस है, फैब्रिक हाथ में लेके लग रहा है कि हाँ थोड़ी महंगी ड्रेस होगी बिकॉज काफी हैवी है। एंड जो सेटन की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, लाइक एकदम रिच वाला जो सेटन होता है एकदम एकदम लग्जरी से वाला फील देता है सिर्फ आपको हाथ में लेके, वैसा मेरे को फील हो रहा है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस डिटेलिंग, पूरी डिजाइनिंग डिजाइनर वाली ड्रेस लग रही है यार ये तो। तो ये पूरा ऐसे फुल स्लीव्स है, यहाँ पे स्लीव्स पे लाइनिंग नहीं है लेकिन इसमें जो आगे पीछे है उसमें लाइनिंग की डिटेलिंग नहीं है क्या? नहीं, बस नेक के पास है और यहाँ पर पीछे जिप है एंड कुछ यहाँ पर छोटी सी प्लेट्स है और यहाँ पर स्लिट है, हाई स्लिट है। तो अभी मैं आपको इसे डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, अगर मेरे को ये फिट हो जाती है, इसका ब्रांड मिश है और मैंने साइज में स्मॉल मंगाया है, बट मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरा जो ये टमी एरिया है यहाँ से मेरे को ये टाइट होने वाली है। बट ट्राई ऑन करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे, देखते हैं कि लुक कैसा लगने वाला है। अदरवाइज ये वाली ड्रेस बहुत क्लासी एंड काफी एलिगेंट लग रही है, लुक एट दिस। और सेटन की क्वालिटी काफी अच्छी है, 1600 रुपीज में मैं बोलूंगी कि बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, बिकॉज आप अगर ऐसे बनवाने लगो, पहली बात तो टेलर अच्छा नहीं मिलता, ऊपर से इतना कॉस्टली आपका फिट आए ना है, सारे साइजेस अवेलेबल है इसमें, तो मुझे काफी अच्छी लगी। एंड वाइन कलर है इसका, बहुत प्रिटी शेड है, सिंगल शेड है इस वाले डिजाइन में। तो ये था सारा ड्रेसेस का कलेक्शन वैलेंटाइन स्पेशल। अभी मैंने आपके साथ एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें पूछा था, तो आप गर्ल्स ने काफी सारे मेरे को सजेशन दिए थे, उसी में से एक वैलेंटाइन डे वेस्टर्न वियर है ये। तो कैसा लगा आपको नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और यूजफुल रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा नीचे। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और मजा कीजिए।